पिछले एपिसोड में अब तक हम लोगों ने देखा कि रित्सुका स्कूल पर आती है, जहाँ पे शी की अभी भी अपने दोस्तों के साथ बात करता है, और अब वो ट्रायल देने जाता है रित्सुका के सामने, जहाँ पे वो रित्सुका के अपने आप में प्रपोज करने की बात सोचता है, जिससे रित्सुका उसके साथ चली जाए, क्योंकि कुल मिलाकर वही एक फॉरबिडन ग्रिमोर की चाबी है। तो वो उसे एक एग्जीबिशन टाइप वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी होती हैं, और वो पेंटिंग्स उसके घर से रिलेटेड होती हैं। उसी तरफ रित्सुका की मॉम को ढूंढ लिया गया था, जो कि वैम्पायर्स के कब्जे में होती हैं, जो तो जो लोग उन्हें ढूंढने गए थे वो खुद भी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स उन्हें गिरा देते हैं। फाइनली रित्सुका को दिखाया गया है, जो कि उसके अंदर के रहस्य को जानना चाहती थी, जो कि फॉरबिडन ग्रिमोर से रिलेटेड है। शिकी उसे बाहर निकालता है पेंटिंग से, और जब वो लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अजूना ने शिकी को कैद कर लिया है, क्योंकि शिकी भी एक तरह का फॉलन एंजल है। फॉलन एंजल बोलते डेविल है। तो यहाँ पे ये दोनों को दिखाया गया है, जहाँ पे शिकी के ऊपर इन सभी मैजिक्स का काम नहीं होता, और वो अजूना को हरा देता है। अजूना काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिसके बाद दिखाया गया रैम को, जो कि हमारी रित्सुका के सामने खड़ा होता है, और वो वहां से चला जाता है। और अब आगे एपिसोड 7 की स्टार्टिंग से हमें रैम को दिखाया गया, जो कि अपने फादर के सामने खड़ा होता है, और उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हें फॉरबिडन ग्रिमोर चाहिए होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा पिटाई करते हैं हमारे रैम की, और कहते हैं कि मैं तुम्हें आर्लॉन फैमिली के नाम से जरूर बुलाता हूँ, लेकिन तुमने अगर वो फॉरबिडन ग्रिमोर नहीं लाया तो तुम इस फैमिली के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और ये कहकर उसकी जबरदस्त वाली पिटाई कर देते हैं। आ गया इन सभी लोग को, जो कि बात कर रहे होते हैं रैम के ऊपर, और उनका मानना होता है कि रैम शायद ही उस लड़की को ना पटा पाए, या फिर कौन और रित्सुका को वो कब्जे में नहीं ले पाएगा। शिकी सोचता है और वो भाग कर चला जाता है रित्सुका के पास। पीछे से ये चीज मिको मेज देखता है। फाइनली यहाँ पे रैम के डॉग को दिखाया गया है, जो कि भाग कर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, और वहां से वो जब लौटता है तो वो रैम को जख्मी हालत में देखता है, जहाँ पे रैम अपने सोफे पर आराम से लेटा होता है। तभी हमें एक काफी बड़ी जगह से रोशनी दिखाई जाती है, और सीन शिफ्ट हो जाता है रित्सुका और अजूना की तरफ, जहाँ पे अजूना के लिए रित्सुका काफी सारी दवाइयां ले रही होती है मेडिकल स्टोर से, जहाँ पे उसकी नजर डॉग पर जाती है, और ये वही डॉग है, यानी रैम का डॉग है। अब वो यहाँ तक कैसे पहुंचा आपको आगे पता जरूर पता चलेगा। फाइनली वो डॉग भागते हुए निकल जाता है। रित्सुका देखती है और उसके मन में आता है कि वो डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर डॉग यहाँ पर है, हो सकता है रैम भी यहीं पर हो, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते हुए अजूना के पास जाती है, और ये कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है। फाइनली एंट्रेंस के बाहर निकलते ही उसे वो डॉग मिल जाता है, तो वो डॉग को छोटे मोटे तरीके से खिलाने लगती है। वो डॉग के पैर को काफी अच्छी तरीके से रब करती थी, जिससे वो डॉग उसे कुछ पसंद करने लगा था। जब वो उसे अपने गोद पर उठाती है, तब वो डॉग अपना रूप चेंज कर लेता है। फाइनली अब वो उस लड़के वाले फॉर्म में आ चुका था, जिससे अजूना काफी ज्यादा डर जाती है, और उसे अब समझ में आता है कि रैम का जो डॉग है वो खुद भी एक इंसान ही है, जो कि अभी तक रैम के घर पर एक डॉग के रूप में रह रहा था एज अ पेट। फाइनली यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुमको जानना है फॉरबिडन ग्रिमोर के बारे में तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और यहाँ पे उसकी लोकेशन भी चेंज हो जाती है, मतलब आसपास की जगह वो पिलर वाली जगह पर पहुँच जाती है। फाइनली रित्सुका अजूना को मैसेज करती है कि वो घर के लिए निकल रही है, जिस पर वो कहता है कि ओह तो तुम अपने घर पे यानी अपने दोस्त को झूठ कह रही हो। दूसरी तरफ अजूना इस मैसेज को देखकर थोड़ी सी शॉक में होती है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है शिकी, और शिकी के साथ और भी मेंबर्स आए होते हैं, यानी उरी और मेज भी। फाइनली वो कहता है मेज कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो लड़की के पीछे मत छुपो, मेरे सामने आओ, और ये कहते ही वो पिलर पर पंच मारता है, जिससे पूरा पिलर ही नीचे गिर जाता है। शिकी उन्हें बताता है कि यहाँ पे जो भी लड़की खड़ी यानी अजूना, वो रित्सुका की दोस्त है। एम को यहाँ दिखाया जाता है, जो कि जख्मी हालत से उठता है। फाइनली वो काफी ज्यादा थका हुआ लगता है, तो वो पूरी तरफ देखता है, जहाँ पे कोई भी नहीं होता। शिकी के दोस्त यानी पेट को दिखाया गया है, और यहाँ पे फॉरबिडन ग्रिमोर की बुक के बारे में पता चलता है, जिस पर रित्सुका उसे बताती है कि हो सकता है फॉरबिडन ब्रुक ग्रिमोर शायद किसी तरह का एक बुक हो, मैजिकल बुक हो। फाइनली वो डॉग अपना रियल फेस दिखाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो कहता है कि हम चाहें तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं इस पे तुम्हें सारी चीजें बता सकता हूँ। उसी तरफ रित्सुका उसे धक्का देती है, जहाँ पे उसका सेक्रेड लेक्स नाम का रिंग उसे और भी ज्यादा पावर देकर पीछे की तरफ ढकेल देता है।
जहाँ पे वो डॉग ह्यूमन पास आ जाता है एक बार फिर से और उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है अजूना को, जो कि इन तीनों लड़कों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपना मैजिक कास्ट करती है, लेकिन वो इन सभी के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। कि तभी पीछे से लिंडो आता है, जिसे देखकर ये सब लोग भाग जाते हैं, जहाँ पे लिंडो कहता है अजूना को कि कैसी हो, ठीक तो हो ना, जिस पर वो बताती है कि क्या अभी तक रित्सुका घर नहीं पहुँची। लिंडो ये सुनकर होश उड़ जाते हैं क्योंकि रित्सुका घर पे होती ही नहीं है। हमें रैम को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है अपने पेट को, साथ साथ वहाँ पर रित्सुका भी होती है, जिस पर रित्सुका को वो बताता है कि 17th बर्थडे पर तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि 17th बर्थडे पर ही तुम फॉरबिडन ग्रिममोर के बारे में जान पाओगी, जिसके बाद वो टेलीपैथी के थ्रू उसकी पूरी बात को जान लेता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारा भाई काफ़ी बड़ा झूठा इंसान है, उससे तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई है। इस बात को हमारा रैम भी सुन रहा होता है। पेट कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सो तो लॉर्ड मैक्सिस को ज़्यादा पावर मिलेगी, इसलिए वो अपने सेक्रेट लक्स को निकाल दे और मेरे साथ चले। फाइनली वो सेक्रेट लक्स को निकालने वाली होती है, क्योंकि डॉग ने या फिर कहूँ उस पेट ने ऐसा कहा था कि अगर तुम अपने आपको मेरे सवाले सौंप दो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान होता बंद हो जाओगी, तुम्हारी मॉम वापस आ जाएंगी। लेकिन वहाँ पर आ जाता है हमारा रैम और उसे ये अंगूठी उठाने से मना कर देता है, जिस बात से वो कहता है कि तुम गलत आदमी के साथ दे रहे हो, मैक्सिस छोड़कर जा चुका है और अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम मेरे डॉग हो, मेरे पेट हो। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े मैं रिस्को को ख़त्म कर दूंगा। फाइनली वो कट मार देता है उसकी टाई पर और टाई कट के नीचे गिर जाती है। फाइनली वो उसके ब्रेस्ट को टच करता है, जिससे उसके ब्रेस्ट से खून निकलने लगता है, जहाँ पे सेक्रेट लेग्स काफ़ी तेज से चमकता है, और सेक्रेट लेग्स के चमकते ही वो डॉग या फिर कॉपेट दूर जाकर गिरता है, जहाँ पे सेक्रेट लेग्स की पावर की वजह से अब वो भी थक चुकी थी, लगभग हमारे रित्सुका से भी पावर खींचती है। लिंडो को दिखाया गया जो कि वहाँ पर प्रेजेंट होता है और रैम को लड़ने की तैयार होता है, जहाँ पर रित्सुका उसे रोकती है और बताती है कि इसने उसके साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन लिंडो को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने उसके खून निकलते हुए देखा था, इसलिए वो रैम को झटका देने के लिए आगे बढ़ता है। फाइनली रैम रित्सुका को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और अपने वैम्पायरिक फॉर्म में था, इसलिए वो हर्ट कर देता है रित्सुका को। रित्सुका काफ़ी दूर जाके गिरती है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ रित्सुका जख्मी होने के बाद भी लिंडो को रोकने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जो हमारा होता है वो उससे फाइट करने के लिए अपने पंजों को आगे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसके पंजे अब रैम के हाथों में धंस जाते हैं, जिससे उसके हाथों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पे उसको गले लगाती, जब रित्सुका उसके गले लगती है लिंडो के, तब वो शांत हो जाता है और यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और रैम भी उस जगह से निकल जाता है, ये कहते हुए कि अपनी बहन का ख्याल रखना। फाइनली वो उसी जगह पर गार्डन में पहुँचते हैं जहाँ से वो लोग गए थे, जिस पर लिंडो कहता है कि तुम कहीं भी मत जाओ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा। दूसरी तरफ लॉर्ड मैक्सिस का चेला या फिर वो डॉग अब वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि आज मैं फेल हो गया लेकिन मैं फिर कभी पास हो जाऊँगा इस चीज़ में। दूसरी तरफ रित्सुका को जख्मी हालत में होती है और लिंडो उसे कब एक कॉफ़ी प्रोवाइड कराता है, जिस पर वो रित्सुका से माफ़ी मांगता है और सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके बताना चालू करता है, जिस पर वो बताता है कि वो पेंडेंट एक हमारे ग्रैंडफादर ने बनने से पहले दी थी और ये बात मुझे कई साल पहले पता चली कि तुम ही ग्रिममोर फॉरबिडन ग्रिममोर की मालकिन हो। फाइनली यहाँ पे वो उसके बारे में सोच रही होती है, यानी रित्सुका सोच रही होती है लिंडो के बारे में कि लिंडो एक अलग ही पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गया था। क्या लिंडो एक वैम्पायर है या फिर लिंडो कोई और नहीं, मेरा भाई ही है, यानी नॉर्मल इंसान, जिस पर वो सोचती है। और एक पावर को दिखाया गया यानी प्यादे को, जिसे हमारा रैम चलता है और कहता है एक न एक दिन मैं उसको रोक लूँगा, लेकिन वो सोच में पड़ा होता है कि उसने रित्सुका को क्यों रोका अंगूठी उतारने से, ऐसा उसने क्यों किया, अभी भी ये उस सोच में पड़ा होता है और एपिसोड वहीं पर एंड होता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और उसमें बहुत ज़्यादा कम स्क्रीनशॉट्स हैं मुझे पता है, और हाँ जो लोग भी मतलब नॉन एनिमेटेड मूवी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, जिसे एक्शन एक्सप्लेनेशन कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। थैंक यू।